नदेसर। कितने साल से लड़के को लेके परेशान थे? सर 2-3 साल से परेशान थे। क्या दिक्कत होती थी इसको? इसको कभी कभी जो है जैसे दाँत ही लग जाए, इसको जो है हमारा सीरियस हो जाए, जो है दाँत लग जाता जी, और इसका जो है तो उठा उठा डॉक्टर के ले जाए, जो है बड़े डॉक्टर के यहाँ? नहीं, डॉक्टर शुक्ला है बच्चे वाले, उन्हीं के पास ले जाते। क्या बोलते थे डॉक्टर? डॉक्टर बोलते थे सीटी स्कैन कराइए, इसके दिमागी में कुछ जो है कराया जी, कराया। उसमें जो है थोड़ा बहुत बारीकी जो चीज़ है वो निकला था, जो है फेस्कू फेस्कू जैसे होता नहीं दवा टाइप का, उस तरह से हल्का से। उसके बाद दवाई करे, फिर ये क्या, ये दाग क्या, ये क्या? ये दवा जो है बहुत दिन से पसाने से जो है काफ़ी, इसको एकदम करीब में करके इधर घुमा दो। यहाँ पर पहली बार आए थे तो क्या पुष्टि में निकला था? पुष्टि में यही निकला था इसको जो है भरम है। कितना भूत की पुष्टि हुई इसके ऊपर? अभी तो 5 हुआ। 5 तो उस दिन कितना मरवाया था? 2। 2 मरवाने से इसको क्या फायदा हुआ? बहुत फायदा है, इसको जो पहले सफेद है लाल हो गया, लाल हो गया ना। आज 3 मरवा दिया जी। फिर ये एकदम चमड़ा बाई चमड़ा मिल जाएगा जी। और डॉक्टर को दिखाया तो इसको डॉक्टर क्या बोल रहे थे? डॉक्टर ने बुलाया था जो तो दिखाया तो बोले दवा जो है काफी नहीं चलेगा, पकड़ नहीं पाए। मतलब कभी भी खत्म नहीं हो कि दवा चलती रहेगी, दवाई चलाने से बढ़ता गया, बढ़ता गया। भरम होते हैं, पंडित जी किसी को दिखाए थे वो बोला भरम है तो सही था, भरम को मैंने ऊपर भेज दिया, मुक्ति मिल गई भरम को, ये चमड़े बाई चमड़ा मिल जाएगा जी। कितनी सी ताबीज पहना है खोल के दिखाओ जरा, बंद कर दिया बटन। 3 इतनी सी ताबीज पहनाने से मतलब कि भूत प्रेत ना पकड़े जी। भूत प्रेत अगर पकड़ना होगा ना तो पकड़ेंगे ताबीज, उसका कोई मतलब नहीं, इसको काट के गंगा जी में जाते समय फेंक देना। अभी ये लड़का अभी आपका एकदम ठीक हो गया। आपका मोबाइल नंबर मैं कैसेट में डाल दूंगा, जिसका फोन आएगा अगर ठीक हो जाएगा पूरी तरीके से तो आप बताना, ठीक है जी। जी उल्टी में क्या निकला था इसको? दवाई यहाँ से दो खुराक इशू हुई थी आपको जी। उल्टी में मांस निकला था जी। कितना बड़ा था? इतना टुकड़ा टाइप का था, जैसे वो एकदम खड़ा हुआ निकला था। आपके अलावा कोई और देखा था? ये देखे थे भाई, मौसा जी, भाई मौसी जी। अच्छा, ये आपके मौसा मौसी हैं, आप लोग देखे थे जी? हाँ। पक्का जी। आपके घर में मांस निकला जी। दवा के मेरे यहाँ से जो दवा मिली उसको कितनी देर के बाद उल्टी में निकला? आधी घंटे बाद निकला। चलो ठीक है। आप लोग ये कौन है आपकी? ये कई साल से परेशान थी? 7 साल से। 7 साल से क्या दिक्कत था? बस पेट खराब हो जाता था, हालत सीरियस हो जाती। डॉक्टर वॉक्टर को दिखाते थे? बहुत दिखाया। अच्छा, जांच बात सब कराया जी? उससे कोई फर्क नहीं पड़ा? किसी ओझा मौलवी को दिखाया? बहुत दिखाया। क्या बोले वो लोग? वो लोग कहते हैं ठीक हो जाएगा, 2-4 दिन ठीक रहेगा, फिर उसी तरह हो जाएगा। 2-4 दिन वो लोग आराम देते थे फिर वैसे ही हो जाता था। तो यहाँ पर आप पुष्टि पहली बार करवाए, पहली बार आए थे तो कितना भूत निकला उसपे? 20 20 में कितना मरवाया? 5 आज कितना मरवाओगे? 5 आज भी मरवाओगे तो कुछ फर्क पड़ा 5 मरवाने से इसको जी? हाँ। क्या फर्क पड़ा? जैसे पहले से तो काफी अच्छा, पहले ये चल फिर पाती थी जी? नहीं। आज पैदल कितनी दूर आई? पड़ाव से पूरा यहाँ तक आई है, साहूपुरी तक, यानी करीब करीब 4 किलोमीटर पैदल आई। 5 भूत मरवाने से इसको इतना बेनिफिट हुआ, चेहरे का रंग भी बदल गया, जैसे पहले एकदम अजीब चेहरा डेरवाना टाइप का लगता था, अभी चेहरे पे अभी रौनक है चेहरे पे पक्का। आपकी मौसी भी आप ठीक है। आपका भी मोबाइल नंबर हम अतमे कैसेट में इंटरव्यू में डाल दूंगा, जिसका जी चाहे फोन करे। आप ठीक हो जाना तो बताना ठीक हो गए, नहीं ठीक होना तो बोलना नहीं ठीक हुए, ठीक है। कह रहे हैं कि बहुत आराम है, क्या आपको आराम है? है आराम। पहले आप काम वाम नहीं कर पाती थी, अभी कर रहे हैं? कर रहे थे, आप तो थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। पूरा पड़ाव से यहाँ तक चले आए, पैदल भी आप आ गए। चलिए ठीक है, आप ये जितना बाकी आप बचेंगे 10 भूत इसको भी मरवा देंगे तो ठीक है। डॉक्टर वॉक्टर को अब जो परेशान हुए कोई परेशानी नहीं है। कहाँ से आप लोग आए हो? नदेसर। नदेसर से ही आए। क्या नाम है तुम्हारा? पिंटू। पिंटू, चलो ठीक है, हम कैसेट में